विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। वासी में काटने की तैयारी है, इतना बड़ा आंदोलन आपने किया ताकि मुंबई का पर्यावरण और यहाँ की खूबसूरती बरकरार रहे, इस शहर की जो सुंदरता वो बरकरार। लेकिन आज खुद मंच से अगर उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो काटे जाएंगे, नियमानुसार काटे जाएंगे, आपको नहीं लगता कि सत्ताधारी जो सरकार है उसके मंत्री हैं पर्यावरण को लेकर, मुंबई की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नहीं है? देखिए बात ऐसी, यदि उनको नई मुंबई के जनता के प्रति अपनापन होता तो थाने बेलापुर रोड के बाजू में सर्विस रोड है और सर्विस रोड और बाजू में कंपनी का जो फेंसिंग है इसके बीच में ये होटल वाले मोटे वालों को वो प्लॉट नहीं देते। वहाँ पे भी यदि हम लोग उधर नहीं वहाँ पे एजिटेशन करते तो पूरा बेलापुर तक हडिलिया तक का जो जगह है वो बेचने का इनका इरादा। ये लुटारू है, नई मुंबई का पानी लूटा, नई मुंबई का ऑक्सीजन गैस लूटा, नई मुंबई के दवा लूटा, अभी नई मुंबई के लोगों की नींद भी चुराने की इनकी इच्छा है। नई मुंबई की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये लोग कितना भी कहे नई मुंबई की जनता इस टीम पर विश्वास रखने वाली नहीं है। 95 में गणेश नाइक के नेतृत्व में विश्वास किया, 2020 तक वो विश्वास बरकरार रहा, आगे चल के भी वो विश्वास बरकरार रहेगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। सत्ताधारी एक सपने, मुंबई में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी, आपने कहा कि अनहोनी घटेगी। अरे देखिए बात ऐसी कि अभी तो बीजेपी के पास खुद के 106 एमएलए थे, सपोर्ट करने वाले कोई 8-10 थे, बीजेपी के 3 राज्यसभा के सदस्य चुन के आए, महाविकास आघाड़ी के 3 चुन के आ गए। कल उनका दारुण पराभव हुआ, अहंकार टूट गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अहंकार की जो भाषा कर रहे हैं ये भाषा इनको गर्त में लेके जाने का, यानी कीचड़ में लेके जाने का। और ये लोग जो पेड़ को काटने का बोल रहे हैं, मैंने जो अर्जी दिया था शायद कल या परसों, मैं MRDC ऑफिस में जा रहा हूँ, वो जो काटे हुए पेड़ के बारे में आगे चल के इनकी हिम्मत है ना तो हमको बोल के पेड़ काटे, हम लोग इनको एक पेड़ तो छोड़ एक डाली भी तोड़ने नहीं देंगे। ओके थैंक यू। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।